तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न होते क्या हैं। तो दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में ये बताना बहुत जरूरी है कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एक बुलिश या बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग में है तो ये एक करेक्टिव पैटर्न्स हैं दोस्तों। एंड दोस्तों, ये बेसिकली केवल डिफरेंस ये है कि इनमें करेक्शन थोड़ा डीपर होता है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले जो जिक्र किया गया था वो विलियम ओ नील ने किया था, जिन्होंने अपने बुक में 1988 में लिखा था, और उस बुक का टाइटल था हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। तो दोस्तों, ये पैटर्न की रिलायबिलिटी काफी हाई है, और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इसके पहले के जीरो टू हीरो श्रृंखला के फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड तीन वीडियो जो अपलोड किए गए हैं, फिबोनाची सीरीज जिसे हम डिवाइन नंबर के नाम से टाइटल दिया गया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सपेंशन, ये दोस्तों तीन आपने इसे पूरा देख लिया होगा, कंसेप्चुअली समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों उन्हें आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये डीपर करेक्शन है और इसमें कुछ एलिमेंट्स में करेक्शन शैलो होते हैं। तो इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके हम अपनी एक्यूरेसी को एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस एक हायर प्रोबेबिलिटी को अराइव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कई स्टडीज को कंबाइन करें, और इसीलिए दोस्तों ये एक सिंगल पैटर्न था जिसे चार्ट पैटर्न के सेशंस जब जीरो टू हीरो श्रृंखला में किए जा रहे थे उस समय इस पैटर्न के बारे में जिक्र नहीं किया गया, केवल एक इंट्रोडक्शन देके इसे छोड़ दिया गया, ताकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जब तीनों सेशन पूरे हो जाएं उसके बाद में हम इस पैटर्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस पैटर्न्स के मुख्य तरह दो हिस्से होते हैं, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कप एंड हैंडल। तो दोस्तों, एक इसका पैटर्न इसका पार्ट होता है कप, और दूसरा होता है दोस्तों हैंडल। तो दोस्तों, इसका नाम कप एंड हैंडल पैटर्न क्यों पड़ा? क्योंकि चाय पीने का जो कप है, टी कप होता है, वो दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें एक कप होता है जो एक राउंड टाइप का दिखाई देता है, और एक हैंडल होता है दोस्तों जो इस कप में होता है। तो इसी तरह का पैटर्न चार्ट के ऊपर में फॉर्म होता है, जो एक डीपर करेक्शन के बाद ये चार्ट में अपियर होता है, और दोस्तों ये एक इंडिकेट करता है जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ये एक एक अच्छे पोटेंशियल प्रॉफिट को देने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली इसे समझना, इसके दो हिस्से हैं, एक कप होता है और दूसरा दोस्तों इसमें एक हैंडल होता है, और इन दो चीजों को करेक्टली आइडेंटिफाई करना, उन क्राइटेरिया को फॉलो करना जो इसमें अप्लाई होते हैं, ताकि हम कप एंड हैंडल को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें, एंड तब जाके उसमें एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करें, ताकि एक सक्सेसफुल ट्रेड की हम संभावना को एनहांस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो हिस्से जो हैंडल एंड कप के दो हिस्से हैं, तो उनमें क्या क्राइटेरिया हमें देखना चाहिए ताकि हम एक करेक्टली इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की एक स्किल डेवलप कर सके, और एक अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सके और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के क्राइटेरिया क्या है, वो क्या नियम है जिसको हम ऑब्जर्व करके करेक्टली कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम कप के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों
हम हैंडल से रिलेटेड क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, लेकिन इन सब पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो बेरिश कपन हैंडल पैटर्न हो या बुलिश हैंडल कपन हैंडल पैटर्न हो, दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। इनफैक्ट आप देखिए दोस्तों, तो जितने भी चार्ट पैटर्न है या ट्रेडिंग करने का मुख्य जो प्रोसेस है, उसके तहत हम सबसे पहले मार्केट फेज और ट्रेंड के बारे में जानकारी लेते हैं, ताकि हम ट्रेंड के साथ दोस्ती कर सके, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ये मैं बार बार हर सेशन में इस बारे में एम्फेसिस देता हूं, इस बारे में जिक्र करता हूं, ताकि दोस्तों हम ट्रेंड की दिशा में जब काम करते हैं तो हमारी सफलता के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो पहला चीज है दोस्तों, कप एंड हैंडल में ट्रेंड जो है, कप एंड हैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन के पहले जो ट्रेंड है वो एक प्रायर ट्रेंड एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो प्रायर ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। और अगर हम बेरिश कप एंड हैंडल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रायर ट्रेंड जो है वो बेरिश होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है, जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो ट्रेंड बहुत अधिक मेच्योर नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना ट्रेंड नहीं होना चाहिए, कुछ महीने पुराना ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत मेच्योर ट्रेंड है तो कई बार ये एक रिवर्सल पैटर्न की तरह हो सकता है और हम इसमें ट्रैप होने की संभावनाओं को बहुत प्रबल बना देते हैं। तो दोस्तों, ट्रेंड बहुत मेच्योर नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम ट्रेंड एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रायर ट्रेंड बुलिश या बेरिश एग्जिस्ट करना चाहिए, ताकि हम ट्रेंड की दिशा में ही इस ट्रेड को ले सके, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। सिर्फ अंतर है दोस्तों, इसमें करेक्शन डीपर होता है, जैसे फ्लैग पैटर्न है उनमें करेक्शन दोस्तों एक शैलो करेक्शन होता है, इसमें करेक्शन थोड़ा डीपर होता है। और इसीलिए दोस्तों, कई बार जो एक नए ट्रेडर होते हैं जिन्हें बहुत अधिक टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी नहीं होती है, या फिर अगर जानकारी होती है तो सारी स्टडीज को वो कंबाइन करना का वो स्किल उनमें नहीं होता है, तो वो नॉर्मली इसको ट्रेंड रिवर्सल मार के उसमें ट्रैप हो जाते हैं और रॉन्ग दिशा में इस ट्रेड को ले लेते हैं। तो दोस्तों, कप को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कप एक यू शेप की तरह दिखाई देना चाहिए, राउंडिंग बॉटम की तरह इसे दिखाई देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर वी शेप रिकवरी है तो उसकी रिलायबिलिटी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वी शेप रिकवरी में ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बट दोस्तों हमारा उद्देश्य क्या है कि हम क्वालिटी ट्रेड लें, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को लें, और हम कम ट्रेड लें लेकिन प्रॉफिट की दिशा में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों, इसका शेप राउंड शेप होना चाहिए प्रेफरेबली, एंड एक राउंडिंग बॉटम की तरह दिखना चाहिए। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कप का डेप्थ क्या होना चाहिए। दोस्तों, जैसा हमने बोला कि ये एक डीपर करेक्शन की प्रक्रिया है, और इस डीपर करेक्शन की प्रक्रिया के कारण इसका जो डेप्थ होता है, जो राउंडिंग बॉटम बनता है, तो वो जो प्रायर ट्रेंड, फॉर एग्जांपल अगर हम बुलिश कप एंड हैंडल की बात करें, तो दोस्तों प्रायर ट्रेंड नेचुरली बुलिश होगा, और जब वहां से करेक्शन होगा दोस्तों, तो वो करेक्शन डीपर होगा, और नॉर्मली करेक्शन 2/3 से लेकर जो प्रायर प्रीवियस मेजर मूव है, प्रीवियस मेजर इंपल्सिव वेव है, उसका 2/3 से लेके 1/3 के बीच में कहीं जाके करेक्शन हॉल्ट करता है। तो वो देखा गया है दोस्तों अधिकतर टाइम कि इस तरह के पैटर्न की रिलायबिलिटी, मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं कि जब करेक्शन
पिछले इंपल्सिव वेव का 50% से लेकर 78.6% के रेंज में करेक्शन आके हॉल्ट होता है, और जब ये पैटर्न फॉर्म होता है दोस्तों तो उसकी रिलायबिलिटी कहीं बहुत अधिक है। तो दोस्तों पिछले इंपल्सिव वेव से इसी कारण से हम रिट्रेसमेंट टूल को देखते हैं लगा के कि क्या ये जो डीपर करेक्शन हुआ है वो 50% से अधिक है, और 50% से लेकर 78.6% लेवल का रिट्रेसमेंट लेवल है उसके बीच में कहीं हॉल्ट होके इसने रिकवरी यू शेप रिकवरी दिखाई है तो इसकी रिलायबिलिटी अधिक होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा कप जो नॉर्मली है वो हेल्दी कप कब बनते हैं, नॉर्मली हेल्दी कप में बनने की जो प्रक्रिया होती है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने का दौरान होता है अगर हम ड्यूरेशन की बात करें। तो इस ड्यूरेशन के दौरान ये कप में, या मैं टाइम के रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसे बनने में 1 to 6 months लगते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हैंडल से रिलेटेड क्राइटेरिया को जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से नियम है, वो कौन से रूल्स हैं जो हैंडल को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करेंगे, क्योंकि कप एंड हैंडल में 2 पार्ट्स हैं, एक कप है और एक हैंडल है। तो हमने अभी दोस्तों कप के बारे में क्राइटेरिया को जाना, अब जानते हैं दोस्तों हैंडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि वो कौन से नियम हैं, रूल्स हैं, क्राइटेरिया हैं जिनसे हम हैंडल के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने में हमें मदद मिलती है। तो दोस्तों हैंडल जो है, जब यू शेप का फॉर्मेशन हो जाता है तो यू शेप के फॉर्मेशन के बाद एक माइनर पुलबैक होता है, करेक्शन होता है जो शैलो रिट्रेसमेंट होता है, और ये जो पुलबैक होता है दोस्तों ये नॉर्मली 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल तक होता है, या एट द मोस्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक होता है, उसके नीचे ये रिट्रेसमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें क्राइटेरिया आइडेंटिफाई ये करना है कि जब मार्केट घिरा और उसके बाद यू शेप रिकवरी करके मार्केट ऊपर गया और उसके बाद में दोस्तों एक जो करेक्शन हुआ, पुल बैक हुआ या रिट्रेसमेंट हुआ, उसका रिट्रेसमेंट चेक करें, जो रिकवरी हुई है उस इंपल्सिव वेव का ये करेक्शन 38.2% एंड एट द मोस्ट 50% करेक्शन होगा, तो करेक्शन एक शैलो नेचर का होगा, ये करेक्शन 61.8% या 78.6% तक एक्सटेंड नहीं करता है। और दूसरा दोस्तों ये एक तरह से हमने दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला में अप फ्लैग या बुलिश फ्लैग के बारे में अलग सेशन किया था, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो दोस्तों ये एक बुलिश फ्लैग की तरह, अगर हम कप एंड हैंडल पैटर्न को, बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये जो फ्लैग का पैटर्न है, जो करेक्शन है, पुल बैक है, ये एक तरह से फ्लैग पैटर्न ही होता है। एंड दोस्तों ये हैंडल जो है उसे फॉर्मेशन करने में इसका ड्यूरेशन जो होता है वो अराउंड 1 वीक से लेकर 4 वीक का ड्यूरेशन में ये हैंडल कंप्लीट होते हैं और ब्रेकआउट होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी ब्रेकआउट हो तो एक वॉल्यूम में सर्ज होना चाहिए, वॉल्यूम में बढ़ोतरी होना चाहिए, वॉल्यूम में इंक्रीज होना चाहिए, जो एक कंफर्मेशन करता है कि कप एंड हैंडल का ये ब्रेकआउट है, और उसके बाद ही दोस्तों हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं ताकि इस ट्रेड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट में और कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से हम इसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर कट कंसेप्ट डेवलप हो सके और आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सके दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न को। तो दोस्तों इस पिक्टोरियल डायग्राम को ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला क्राइटेरिया क्या हमने बोला कि प्रायर ट्रेंड अप होना चाहिए, क्योंकि अभी दोस्तों जो पिक्टोरियल डायग्राम है इसमें हम
बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहले बुलिश पैटर्न था, ये देखिए दोस्तों अपसाइड में प्राइस मूव कर रही थी, और इसके बाद में दोस्तों इसका एक डीपर करेक्शन हुआ, और ये आप देखिए यहां पे आने के बाद प्राइस ने एक रिकवरी चालू की और ये प्राइस ऊपर तक गई दोस्तों। तो दोस्तों ये कप देखिए यू शेप का दिखाई दे रहा है, तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। पहले एक प्रिवेलिंग ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, उसके बाद दोस्तों एक डीपर करेक्शन हुआ और एक यू शेप की रिकवरी हुई दोस्तों। ये वी शेप रिकवरी नहीं है दोस्तों, ये यू शेप रिकवरी है और एक कप जैसा ये फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये नियरली हाई के पास पहुंच के, एग्जैक्ट हाई नहीं होता है दोस्तों, नियर बाय हाई के पास पहुंच के इसमें ये आप देखिए एक करेक्शन हुआ, एक पुल बैक हुआ, और ये करेक्शन दोस्तों ये जो रिकवरी हुई, ये इंपल्सिव वेव जो बनी इसका करेक्शन दोस्तों, ये जो करेक्शन हुआ यहां पे आप देखिए हैंडल का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। दोस्तों इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो, जितना अपन ने ड्राइंग की है तो इसे हम रिमूव करते हैं दोस्तों, और इसको हम समझने की और फर्दर कोशिश करते हैं कि फर्दर क्राइटेरिया फुलफिल क्या हो रहा है। तो दोस्तों जब ये इस तरह का ये हैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप देखिए यहां से रिकवरी चालू हुई, तो ये एक इंपल्सिव वेव बनी रिकवरी की, तो इस इंपल्सिव वेव का ये जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों, ये जो करेक्शन हुआ, ये पुल बैक हुआ, ये करेक्शन दोस्तों नॉर्मली 38.2% से ज्यादा नहीं होता है, बट सटनली 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ये आप देखिए एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन हुआ और इसका यहां पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, और दोस्तों जब ये डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है तो यहां पर वॉल्यूम में एक बढ़ोतरी होना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम उसे ये कंफर्म कर सके कि यस इसमें ब्रेकआउट के साथ में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन हमें वॉल्यूम के द्वारा भी कंफर्म हो रहा है। तो दोस्तों इस पिक्टोरियल डायग्राम में क्लैरिटी है, पहले ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, उसके बाद एक शार्प फॉल होना चाहिए, और वो फॉल दोस्तों डीपर करेक्शन होगा जो 61.8% से लेकर नॉर्मली 78.6% तक भी एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद एक रिकवरी यू शेप रिकवरी होती है, और यू शेप रिकवरी होने के बाद नियरली प्रीवियस टॉप के पास जाने के बाद एक हैंडल का फॉर्मेशन होता है जो एक शैलो करेक्शन होता है, जिसका करेक्शन अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे देखें जो प्रायर इंपल्सिव वेव है उसका 38.2% से अधिक का टाइम अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम वो 50% तक रिट्रेसमेंट एक्सटेंड हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों इस फ्लैग पैटर्न का या हैंडल का ब्रेकआउट जब होता है तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी होना अत्यंत आवश्यक है, तब हम बोल सकते हैं यस ये कंफर्म्ड बुलिश हेड कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है और एक ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या क्या पैटर्न होता है कप एंड हैंडल में। दोस्तों हम सभी जानते हैं और जीरो टू हीरो श्रृंखला में भी एक एक्सक्लूसिव सेशन किया गया था कि टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों वर्चुअली आप देखें तो प्राइस की एनालिसिस है एंड वॉल्यूम की एनालिसिस है। तो दोस्तों वॉल्यूम की एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जिससे एक हाई ट्रेड को, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिल सके। तो दोस्तों प्राइस की एनालिसिस हमने चार्ट पैटर्न में की, कई उसके क्राइटेरिया को देखा कि किस तरह से हम कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूल्स को फॉलो करके, और दोस्तों जब उसे आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं तो हम एक वॉल्यूम पर एक नजर डालते हैं कि वॉल्यूम का पैटर्न कैसा नजर आ रहा है। अगर वॉल्यूम का पैटर्न भी ये कंफर्म कर रहा है जिसके बारे में चर्चा अभी हम करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है जिसकी रिलायबिलिटी बहुत अधिक होती है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, हम वॉल्यूम के एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं जब हम कप एंड हैंडल पैटर्न को डील कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें एक्चुअली इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये दोस्तों, ये आप देखिए, ये प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड था और इसके बाद ये इसमें एक यू शेप का रिकवरी हुआ दोस्तों। अब इसके हमने ये सेंटर में इसको डिवाइड कर दिया। ये वो पोर्शन है जब प्राइस नीचे गिर रही थी दोस्तों। तो इस पोर्शन में दोस्तों वॉल्यूम में गिरावट आनी चाहिए, ग्रेजुअली वॉल्यूम में डिप्लीशन होना चाहिए। ये बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। एंड दोस्तों, क्योंकि ये वॉल्यूम में डिप्लेशन इंडिकेट करता है दोस्तों कि गिरावट आ रही है, इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये गिरावट जो आ रही है, इसमें गिरावट के समय में वॉल्यूम में गिरावट होने से ये इंडिकेट करता है कि एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन अधिक नहीं है और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल होल्डर्स हैं, वो अभी सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जब ये रिकवरी चालू होती है, यू शेप रिकवरी, तो इस दौरान में ग्रेजुअली बाइंग आती है और वॉल्यूम में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आएगा, इंक्रीज नजर आएगा दोस्तों, जो इंडिकेट करता है कि दोस्तों जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो शायद अपनी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और जो न्यू बाइंग एक्शंस उसमें आ रहा है, नए लोग भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद में ये एक हैंडल का फॉर्मेशन होता है जो रेड कलर से दर्शाया गया है, ये करेक्शन होता है और करेक्शन के बाद जब दोस्तों इस हैंडल का ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो आप देखिए ये वॉल्यूम में इंक्रीज नजर आता है, प्रीवियस डेज के वॉल्यूम से वॉल्यूम में सर्ज नजर आएगा, इंक्रीज नजर आएगा, जो इंडिकेट करता है कि ये ब्रेकआउट फॉल्स होने की संभावना बहुत कम है और ये एक वैलिड ब्रेकआउट है कप एंड हैंडल पैटर्न का, जो एक हाई ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को देने की संभावना रखता है और एक हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की, समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं एक पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों, अभी तक हमने बुलिश पैटर्न को देखा, तो ये दोस्तों जस्ट अपोजिट है और दोस्तों इसीलिए समझने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है आपको। तो दोस्तों, चलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसा रूल में बताया कि एक एस्टैब्लिश्ड प्रायर ट्रेंड होना चाहिए, तो ये सिंस बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए ये एक यू शेप का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों और यू शेप के फॉर्मेशन के बाद यहां पर एक हैंडल का फॉर्मेशन हुआ और हैंडल का फॉर्मेशन का यहां पर ब्रेकआउट हुआ दोस्तों। और इस जगह के बाद ये जो बेरिश ट्रेंड ओरिजिनल था दोस्तों, उसका ये कंटिन्यूएशन डाउनफॉल चालू हुआ, प्राइस में गिरावट देखी गई, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल ट्रेंड अब रिज्यूम हो चुका है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कप एंड हैंडल एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, केवल डिफरेंस है कि जैसे अप ट्रेंड में हमने देखा कि एक डीपर करेक्शन होता है जब कप का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर भी दोस्तों ये डीपर करेक्शन होगा और पिछली जो भी इंपल्सिव वेव होगी, इसका ये जो करेक्शन होगा दोस्तों, ये इंपल्सिव वेव का ये करेक्शन नॉर्मली 61.8% से, राधा 50% से मैं बोलूंगा, 50% से लेकर 78.6% के रेंज में जाके ये पुल बैक, ये करेक्शन हॉल्ट करता है और उसके बाद में दोस्तों ये फिर से डाउनफॉल यहां से चालू होता है और इस तरह से ये एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो एक कप एंड हैंडल का
कप के एलिमेंट को दर्शाता है। इसके बाद में एक पुलबैक होगा दोस्तों, और वो पुलबैक बहुत माइनर होगा क्योंकि ये जो वेव है दोस्तों, पिछली इंपल्सिव वेव, क्योंकि दोस्तों बेरिश ट्रेंड में इंपल्सिव वेव बड़ी होगी, तो ये जो करेक्शन है दोस्तों ये नॉर्मली 38.2% के विदिन होगा दोस्तों, या एट द मोस्ट ये एक्सटेंड होगा तो 50% से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं होगा। और इसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन होता है, इस फ्लैग की तरह फॉर्मेशन जो होता है पुलबैक का, तो वो एक एंट्री का पॉइंट होता है जहां पे दोस्तों हम टारगेट निकाल सकते हैं। ये जो कप का डेप्थ है दोस्तों ये एच है, तो उतना ही टारगेट ब्रेकडाउन के बाद इसको अगर हम ये नेक लाइन बोले तो यहां से हम उतना प्रोजेक्ट कर देते हैं और वो उसका डाउन साइड में टारगेट आ जाता है, जो एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड से दोस्ती करते हैं, तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में मार्कअप फेज हो या मार्कडाउन फेज हो, उसमें मल्टीपल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देता है। केवल हमें पेशेंटली उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए, चार्ट के ऊपर में हमें अलर्ट सेट करना चाहिए, और जब भी वो अलर्ट ट्रिगर होता है तो उसके बाद उसे डिटेल एनालिसिस करके कि सारे क्राइटेरिया उसमें फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड में पोजीशन ले सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की संभावनाओं को कई गुना हम बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है जब भी एक कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल बेरिश सिग्नल जब देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम बुलिश पैटर्न की, कप एंड हैंडल पैटर्न की दो एग्जांपल्स लेंगे दोस्तों, ताकि हम एक्चुअल चार्ट कंडीशंस में, एक्चुअल मार्केट कंडीशन में इसे ऑब्जर्व कर सकें और समझ सकें कि किस तरह से यह पैटर्न एक्चुअल चार्ट में दिखाई देते हैं, और दो हम बेरिश पैटर्न के एग्जांपल्स को लेंगे ताकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हमें कोई दिक्कत ना हो, एंड उसके बाद दोस्तों किस तरह से हम इस तरह के पैटर्न में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड हम दो एग्जांपल लेंगे, एक बुलिश और एक बेरिश। तो दोस्तों इसे देखते रहिए। चलिए दोस्तों हम एग्जांपल नंबर वन लेते हैं, जो बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात है ये एक एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड था, और इसके बाद में आप देखिए दोस्तों इसमें ये करेक्शन चालू हुआ, और करेक्शन चालू होने के बाद इसने एक ये देखिए कप का फॉर्मेशन किया, और इसके बाद यहाँ पर ये इस हाई के पास जाने के बाद इसने एक पुलबैक लिया और एक शैलो करेक्शन किया। अगर हम ये यहां तक करेक्शन की बात करें दोस्तों, तो आप देखिए ये करेक्शन एक डीपर करेक्शन हुआ, और ये करेक्शन जो दोस्तों हॉल्ट हुआ वो इस जगह पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये करेक्शन जो हॉल्ट हुआ है वो 61.8% के बियॉन्ड हुआ है, तो एक डीपर करेक्शन था दोस्तों। तो दोस्तों अब इसे समझना बहुत जरूरी है कि जब यहां पर आप देखिए ये इस जोन में ब्रेकआउट हुआ, और डिसाइसिव ब्रेकआउट के समय में वॉल्यूम में हमने बढ़ावट देखी, तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, ये देखिए एक कप जैसा फॉर्मेशन बना, ये रिकवरी वी शेप रिकवरी नहीं है दोस्तों, एक कप जैसा फॉर्मेशन बना जो राउंडिंग बॉटम के शेप का होगा। इसके बाद दोस्तों यहां से हम इसको जब टारगेट निकालते हैं दोस्तों, तो कप का जो बॉटम होता है वहां से हम दोस्तों ये नेक लाइन तक, जहां तक ये हाई बनाया है, जहां से दोस्तों ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है, फ्लैग का फॉर्मेशन चालू हुआ है या हैंडल का फॉर्मेशन चालू हुआ है, उस जगह तक हम उसे हाइट को नापते हैं, और उस हाइट को मेजर करने के बाद हम उसे अपसाइड में प्रोजेक्ट कर देते हैं दोस्तों। और इस तरह से जब हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एक टारगेट
ये जो हमने मेजर किया दोस्तों, इसे हम अपसाइड में प्रोजेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा टारगेट निकल के आ जाता है। तो ये एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल को लेने लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का दोस्तों, और कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पैटर्न टारगेट को अचीव करने के लिए काफी रिलायबल पैटर्न है, और इसमें अगर हम सही तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सके सारे रूल्स को ऑब्जर्व करने के बाद, और एक प्रॉपर तरीके से एक हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना सीख गए, तो ये एक पैटर्न एक अच्छे प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस डायग्राम में देखिए दोस्तों, ये एक प्राइस चार्ट है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, यस दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस चार्ट है, और ये बहुत रीसेंट फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आप इसके चार्ट को विजिट करके देखेंगे तो एक रीसेंट फॉर्मेशन है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर इस चैनल के ऊपर में कई वीडियो भी उपलब्ध है दोस्तों, जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बार बार जब भी अपॉर्चुनिटी आई तो इस चैनल पे ट्रेड आइडिया एंड स्टॉक आइडिया के तहत ये इन दो प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के कई एनालिसिस आपको डिटेल में इसमें नजर आएंगी, जिसे आप रिविजिट करके देख सकते हैं एकेडमिक इंटरेस्ट से सीखने के ख्याल से। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं प्रायर ट्रेंड जो था वो एक बुलिश ट्रेंड था, इसके बाद एक डीपर करेक्शन हुआ, यू शेप का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, और यू शेप के फॉर्मेशन के बाद एक पुल बैक हुआ जो एक शैलो पुल बैक था, लेकिन जो कप का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों ये एक डीपर करेक्शन हुआ, और ये डीपर करेक्शन दोस्तों के बाद में इसमें जो एक राइज हुआ पिछले टॉप के पास में गया, और उसके बाद में एक माइनर पुल बैक हुआ, और जहां पर एक हैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ब्रेकआउट के बाद हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा उछाल आया इस हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्राइस चार्ट पे। और ये आप देखिए इसका टारगेट हम इसे मेजर करेंगे और यहां से दोस्तों इसे अपसाइड में मूव कर देंगे, तो ये टारगेट देखिए दोस्तों अचीव हो गया। तो दोस्तों ये एक बहुत रिलायबल पैटर्न है, केवल इसे हमें वो स्किल हासिल करनी है कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, उन सभी क्राइटेरिया को देख के जो इस सेशन के दौरान हमने कवर किए हैं। और दोस्तों ये दिमाग में रखना हमेशा आवश्यक है कि पहले एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड होना चाहिए जो मेच्योर नहीं होना चाहिए, और जब कप का फॉर्मेशन हो तो एक डीपर करेक्शन होना चाहिए, जो करेक्शन 50% से लेकर 78.6% के रेंज तक करेक्शन डीपर हो सकता है, और उसके बाद में जब ये रिकवरी हो तो यू शेप रिकवरी होनी चाहिए, वी शेप रिकवरी उतनी रिलायबल नहीं है, और उसके बाद में दोस्तों नियरली पिछले टॉप के पास में पहुंचने के बाद एक माइनर पुलबैक होगा, रिट्रेसमेंट होगा, शैलो नेचर होगा, जो नॉर्मली 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से ज्यादा नीचे नहीं होगा, और एट द मोस्ट वो कई बार 50% तक रिट्रेसमेंट एक्सटेंड होता है, और जब ये फ्लैग का जैसा फॉर्मेशन है जो कंसोलिडेशन के बाद एक माइनर पुलबैक के बाद जब इसमें ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो ये एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन ब्रेकआउट के समय पे वॉल्यूम में बढ़ोतरी चेक करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा हम इसमें देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड था एस्टैब्लिश्ड, यू शेप का फॉर्मेशन हुआ, रिकवरी हुआ, ये माइनर पुल बैक हुआ, यहाँ पर फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम हैंडल बोलते हैं कप का, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में आप वॉल्यूम में बढ़ोतरी देख सकते हैं, और इसके बाद में दोस्तों ये टारगेट अचीव हुआ। हम ये कप के डेप्थ को मेजर करते हैं, और ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों जो ये रिकवरी जो वेव है दोस्तों, ये रिकवरी वेव का जो हाई होता है इससे हम ऊपर में इसे प्रोजेक्ट कर देते हैं, वो हमारा टारगेट निकल के आ जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न के एग्जाम्पल को एक्चुअल प्राइस चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं बेरिश
कप एंड हैंडल पैटर्न के एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये प्राइस चार्ट है जी एंटरटेनमेंट का, और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जी एंटरटेनमेंट में इस चैनल पे कई वीडियो उपलब्ध हैं, दो या तीन वीडियो होंगे दोस्तों, जो आप शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तहत एक सेपरेट प्लेलिस्ट है शॉर्ट सेल करके, उसमें जाके इन्हें विजिट करके एकेडमिक इंटरेस्ट से, सीखने के ख्याल से, समझने के ख्याल से, एजुकेशनल पर्पस से उसे रिविजिट करें और देखें जरूर दोस्तों कि किस तरह से शॉर्ट सेलिंग के बारे में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करके इस चैनल के ऊपर में डिस्कस किया गया था, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो दोस्तों इसमें हम देखें एक एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड था, और एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड के बाद में इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसने एक कप का फॉर्मेशन किया। अब्सेंस ये इन्वर्टेड कप इसीलिए है दोस्तों क्योंकि एक बैरिश फॉर्मेशन है, और इसके बाद हमने देखा कि दोस्तों ये पुल बैक हुआ, और ये पुल बैक होने के बाद इसका इस जगह पे ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद हम देख सकते हैं इस दूरी को हमने नापा और उसे डाउनसाइड में प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसका टारगेट अचीव होके आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसीलिए प्रायर ट्रेंड को जानना बहुत जरूरी है कि प्रायर ट्रेंड जो है वो बेरिश है कि नहीं है, और अगर हम बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न की बात कर रहे हैं तो प्रायर ट्रेंड हमेशा बुलिश होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक मूल मंत्र जो है दोस्तों कि ट्रेंड को और मार्केट फेजेस को सही तरीके से समझना, ताकि हम ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना सके और उसी दिशा में हम पेशेंटली इंतजार करें उस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का जो हमें अधिकतर टाइम सफल होने के लिए चांस प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगी, और हमारी सफल होने की और ट्रेडिंग बिजनेस को एक सफलता पूर्वक रन करने की संभावनाओं को काफी अधिक बढ़ा देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट को फर्दर समझते हैं। तो दोस्तों अब आप सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न का एक्चुअल प्राइस चार्ट पर। और दोस्तों ये प्राइस चार्ट है अपोलो टायर्स का। दोस्तों इस चैनल में इवन अपोलो टायर्स की भी आप अगर शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखेंगे तो इसके बारे में भी दो या तीन वीडियो अपोलो टायर्स के होंगे दोस्तों, उन्हें भी रिविजिट करके आप दोस्तों एकेडमिक इंटरेस्ट से, नॉलेज गेन करने के इंटरेस्ट से, समझने के उद्देश्य से उसे विजिट करें और देखें दोस्तों, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको मदद मिल सके। तो दोस्तों इसमें भी प्रायर ट्रेंड डाउन था दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों एक कप का फॉर्मेशन हुआ, और कप के फॉर्मेशन के बाद दोस्तों ये आप देखिए हैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए एक हैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और इस हैंडल के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर दोस्तों इस हैंडल के फॉर्मेशन के बाद इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों इसमें देखिए कितनी भारी गिरावट आई दोस्तों, और एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव हुआ दोस्तों। हमने ये हाइट को मेजर किया जो प्रीवियस इंपल्सिव वेव है, प्रीवियस इंपल्सिव वेव बेरिश होने के कारण डाउनसाइड की वेव इंपल्सिव वेव होगी, और पुल बैक जहां से हुआ, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो हमने इंपल्सिव वेव के नीचे प्रोजेक्ट कर दिया दोस्तों, और ये उसका टारगेट अचीव हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों दो बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न के एग्जाम्पल एक्चुअल प्राइस चार्ट पर, और दो बेरिश कप एंड हैंडल के पैटर्न जो दोस्तों क्लियर कट हमें दर्शाते हैं कि ये एक रिलायबल पैटर्न है, केवल हमें उन क्राइटेरिया को ठीक से समझना होगा ताकि हम करेक्टली उसे आइडेंटिफाई कर सके, कप को आइडेंटिफाई कर सके और हैंडल को आइडेंटिफाई कर सके, और सारे क्राइटेरिया के साथ में वॉल्यूम को चेक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और किस तरह से कप एंड हैंडल में हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और हम ट्रेड की पोजीशन लेके
उसे एग्जीक्यूट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए अब हाउ टू फॉर्मुलेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं ताकि हम एक सफल ट्रेड लेने की संभावनाओं को काफी हद तक अपने फेवर में कर सकें। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक बुलिश होते हैं और एक बेरिश होते हैं। तो पहले दोस्तों हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेड के लिए ताकि हम नीचे में बाई कर सकें और हायर प्राइस पे सेल कर सकें। तो बुलिश कप एंड हैंडल के बारे में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये प्राइस चार्ट है दोस्तों, और ये प्राइस चार्ट दोस्तों है लार्सन एंड टूब्रो का, जिसे हम LNT के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक कप का फॉर्मेशन हुआ, और कप के फॉर्मेशन के बाद आप देखिए ये पिछले हाई के पास में पहुंचने के बाद इसने एक करेक्शन दिया और ये हैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसका ब्रेकआउट यहां पर हुआ। तो चलिए दोस्तों इसको हम रिमूव कर देते हैं इसके ऊपर में से, ताकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने को हम समझ सके। और दोस्तों अब क्या करते हैं, जब ये हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो सारे क्राइटेरिया को चेक कर लिया हमने, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है ये भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल होती है जो एक माइनर पुलबैक के बाद में एक फ्लैग का ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं बुलिश फ्लैग का, और उस ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई होता है, हाई के ऊपर में हम अपनी पोजीशन को यहां पे इनिशिएट करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं वो हाई के ऊपर की पोजीशन आ रही है 996। और दोस्तों हम उसी तरीके से जब हाई पे ये एंट्री को डिसाइड करते हैं तो हम टर्मिनल पे अपने बाय स्टॉप ऑर्डर डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब बाय स्टॉप ऑर्डर हम उस हाई के ऊपर में डालते हैं इवन मार्केट खुलने के पहले, तो अगर वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम ट्रेड में नहीं होंगे। और हम सभी जानते हैं, कई बार इस चैनल में ये डिस्कस किया गया है दोस्तों, कि किस तरह से हम एक फॉल्स सिचुएशन को, फॉल्स ब्रेकआउट को हम अवॉइड करने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं अगर इस मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं। तो दोस्तों बाय का हमने ऑर्डर डाल दिया 996 पे, और यहां पे देखिए स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस स्विंग लो जो होगा उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस 972 आ गया। तो इससे हमें क्या पता लगा दोस्तों, प्रिसाइज एंट्री प्राइस एंड प्रिसाइज स्टॉप लॉस हमें देगा ये डिफरेंस कि हमारा रिस्क कितना है पर शेयर, जो यहां कैलकुलेट करके दिखाया गया है दोस्तों 996 माइनस 972, तो ये आया दोस्तों 24 रुपीज पर शेयर का हम रिस्क ले रहे हैं इस ट्रेड में एंट्री के लिए दोस्तों। और हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली दोस्तों कप एंड हैंडल में जैसा हमने देखा, इसे कंसेप्चुअली समझिए, क्योंकि करेक्शन जब डीपर होता है जो 50% से लेकर 78.6% रिट्रेसमेंट तक जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि जो डेप्थ होगा यू शेप फॉर्मेशन का, वो डेप्थ काफी बड़ा होगा, तो टारगेट काफी इसमें बड़ा आता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा निकलता है, क्योंकि दोस्तों जो पुलबैक होता है, करेक्शन होता है, वो शैलो इन नेचर होता है। तो इसका मतलब स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे और टारगेट काफी बड़े आने की संभावना है, जो एक बहुत बेहतर रिस्क रिवार्ड देते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का ट्रेड ये हो सकता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस जगह से इसके हाइट को नापेंगे, और हाइट दोस्तों कहां तक, यहां से ये हैंडल का फॉर्मेशन के लिए जो पुलबैक स्टार्ट हुआ, इस तरह हाइट नाप के ये जो भी हाइट आएगी दोस्तों इसे हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे, ये हमारा टारगेट होगा दोस्तों। टारगेट आप देखिए, पोटेंशियल टारगेट कितना बड़ा है दोस्तों, हमारी एंट्री है 996 पे और टारगेट आ रहा है 1137 पे। तो दोस्तों यहाँ पर शेयर क्या पोटेंशियल टारगेट है ये निकाल के दिखाया गया है 141। तो दोस्तों हमने रिस्क लिया
₹24 ₹24 पर शेयर का इसके अगेंस्ट में पोटेंशियल टारगेट की और प्रॉफिट की और रिवार्ड की संभावना जो थी 141 की थी, जो वेरी वेरी एक्सीलेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं और कैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं बेरिश सिचुएशन में, बेरिश हैंडल कप एंड हैंडल पैटर्न में, उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जब हमने चार्ट के ऊपर में बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है। तो दोस्तों इस केस में हम डायग्राम पे चलते हैं जो एक्चुअल मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ये अपोलो टायर का प्राइस चार्ट है दोस्तों, और हम देख सकते हैं ये प्रायर ट्रेंड बेरिश ट्रेंड था, इसके बाद में दोस्तों ये एक कप का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में एक मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ हैंडल का फॉर्मेशन किया और इस जगह पे ब्रेकआउट बना, तो हमारी एंट्री इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के थोड़ा नीचे होगी। तो दोस्तों ये आया दोस्तों, हम इसमें सेल स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं 211.5 पर, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉप लॉस आ गया दोस्तों 229। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दर्शाया गया है दोस्तों कि पर शेयर हम कितना रिस्क ले रहे हैं इस ट्रेड में। तो दोस्तों 229 माइनस 211.5 जो आता है दोस्तों 17.5, सो ₹17.50 का पर शेयर हम रिस्क ले रहे हैं। उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों, हम टारगेट जो है यहां से ये डेप्थ को नापेंगे, और दोस्तों ये पिछली इंपल्सिव वेव थी उसके जो लो है वहां से नीचे हम प्रोजेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा टारगेट आ जाएगा दोस्तों। तो ये टारगेट दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, और इस हिसाब से हमने यहाँ कैलकुलेट किया जो पोटेंशियल प्रॉफिट पर शेयर क्या होगा, 211.5 माइनस 158, क्योंकि दोस्तों हमारी वो एंट्री थी, और इस हिसाब से 53.5 पर शेयर पोटेंशियल प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा था। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है और एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में ट्रेड को लेना, इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से हम कप एंड हैंडल पैटर्न को या बुलिश हो या बेरिश हो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्टेन रूल्स एंड क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, और उसके बाद दोस्तों हम किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं वो आपने देखा दोस्तों। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने सीखा कि किस तरह से हम कप एंड हैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रूल्स के बारे में डिस्कस किया कि वो क्या क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होने चाहिए ताकि हम बोल सकें ये कप एंड हैंडल है। वो क्राइटेरिया दोस्तों उसके दो पार्ट्स हैं, कप के बारे में हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया, हमने आज सीखा दोस्तों कि हैंडल के बारे में क्या क्राइटेरिया है, और ये पैटर्न दोस्तों एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के कारण केवल इसमें एक डेप्थ अधिक होती है, करेक्शन डीपर होता है, तो दोस्तों इसे हमने समझने की कोशिश की, और ये सिंस करेक्शन डीपर होता है और हैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक शैलो करेक्शन होता है, माइनर पुल बैक होता है, इस कारण से हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता है। दोस्तों साथ में हमने देखा कि किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और एक बेहतर रिस्क रिवार्ड रेशियो पाने की संभावनाओं को प्रबल कर देते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में। हमने वॉल्यूम के रोल को भी समझा दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की अगर ब्रॉडर डेफिनेशन देखें, ब्रॉडर परिभाषा को समझें, तो ये एक प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालाइज करने का एक तरीका है, जो पैरामीटर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स हो या ऑसिलेटर्स हो वो सारे दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइस या वॉल्यूम के द्वारा से या दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा से डिराइव किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम जितना प्राइस एक्शन एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे उतना दोस्तों हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है।
एंड दोस्तों अपने सोशल बेस में, सोशल सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका शेयरेबल लिंक ले लीजिए और उन्हें सर्कुलेट कीजिए दोस्तों, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी इसका फायदा हो सके और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सके। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने जल्द से जल्द दोस्तों। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य या पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए इनेबल करना होगा, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो दोस्तों ये प्रक्रिया एजुकेशनल सीरीज की जारी रहेगी इस चैनल पे। और दोस्तों आप कल संडे बाइट 8 PM सीरियल जो हमारा है प्राइस एक्शन एनालिसिस पे, उसे देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी टाइम, वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस दिवाली टू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स।